हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड तुम्हारे सामने जो डॉक्यूमेंट है वो है कफन इंटेल के 9 जेन प्रोसेसर्स के लिए। जी हां, इंटेल ने आज ही एक पेपर पब्लिश किया है, कल बेसिकली, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि इंटेल जो है वो अपने 9th जन CPUs का एंड ऑफ लाइफ अनाउंस कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी कोई एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करती है, वो बोल रही है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्शन हम लोग बंद कर रहे हैं एंड फ्यूचर में हमारा जो अगला प्रोडक्ट होगा वो ये सीरीज को कवर करेगा, तो उसी को एंड ऑफ लाइफ नोटिफिकेशन कहते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज टोटल, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो इंटेल ने रिलीज किया है एंड बेसिकली व्हाट दे हैव सेड इज कि अपने 9th जेन कॉफी लेक रिफ्रेश डेस्कटॉप सीपीयूज को वो लोग कर रहे हैं डिसकंटिन्यू। टोटल 117 सीपीयूज होंगे जो कि इंटेल के 9th जनरेशन का पार्ट थे एंड वो सभी के सभी डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। ओरिजिनली ये आए थे 8th जनरेशन के बाद, 8th जनरेशन जो कि था कॉफी लेक, ये है कॉफी लेक रिफ्रेश एंड ये कम्पीट कर रहे थे AMD के Zen Plus बेस्ड आर्किटेक्चर से जो कि Ryzen 2000 सीरीज के सीपीयू में आया था एंड कहीं ना कहीं पे ये इंटेल का वो जनरेशन है जो कि ट्रांजिशन फेज में था एंड बहुत ही मार खाया है, स्पेशली फॉर इट्स i3 एंड i5 सेगमेंट, जहां पे ये एक ऐसा मॉडल था जिसका i3 मॉडल एंड i5 मॉडल Ryzen के कॉरस्पॉन्डिंग यू नो टू डबल द नंबर ऑफ थ्रेड से लड़ाई कर रहा था। सो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है ये बहुत मार खाया है। i7 में 8 कोर 8 थ्रेड एक बहुत ही वियर्ड सा चॉइस था इनके लिए एंड i9 में उन्होंने 8 कोर 16 थ्रेड दिए थे जो कि 10th जनरेशन में अब i7 हो गया है। सो कहीं ना कहीं देख रहे हो बहुत ही अजीब सा ये जनरेशन था इंटेल के लिए एंड एज यू कैन सी ओवर हियर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस प्रोग्राम जो है वो 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है फॉर ट्रे एंड बॉक्स दोनों के लिए एंड टोटल जो शिपमेंट डेट है जो लास्ट इनका रहेगा दैट विल बी 24 दिसंबर फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, इंटेल ने बनाने जो है वो तो बंद कर ही दिए, तो सपोर्ट कंटिन्यूअस प्रोग्राम जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोग्राम वो अभी चालू कर रहे हैं। जो लास्ट डिमांड है वो लोग लेना मार्च में बंद कर देंगे फॉर ट्रे जो कि OEMs को देते हैं वो एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑर्डर रेट जो है वो 25 जून को दोनों यानी बॉक्स एंड ट्रे दोनों के लिए बंद हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे इंटेल के ये सारे सीपीयूज हैं, तुम देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक। कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। 9400 इंटेल पेंटियम गोल्ड G5420 जो कि इनका डुअल कोर 4 थ्रेड सीपीयू है, 5620 सेलरॉन 4950 4930, इसके अलावा इंटेल i3 9300 9100 9900K 9700K 9600K 9400 9500 एंड इसके अलावा हैं KF वाले जितने भी CPUs थे 9900KF 9700KF 9600KF 9400F, बहुत ही पॉपुलर CPU था अपने टाइम पे एंड तुम में से बहुत लोगों ने यूज़ भी किया है 9400, इसके अलावा 9600K 9600KF एंड इसी के वेरिएशन में तुम देख सकते हो जितने भी CPUs थे, चाहे उनके प्रोडक्ट कोड अलग हैं, मॉडल नंबर सेम रहेंगे बट प्रोडक्ट कोड एंड रिलेटिव शिपमेंट कहाँ हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली उन्होंने 9th जेन यानी 9000 सीरीज के जितने भी CPUs हैं वो सभी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं एंड इससे वो लोग ये बता रहे हैं कि हमारे जो 10th जनरेशन CPU है विच इज़ मानो या ना मानो कहीं ना कहीं पे इंटेल को वापस वो ट्रैक पे ला रहा है बिकॉज AMD के CPUs हैं ही नहीं खरीदने के लिए। तो उनके i3 एंड i5 काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे एंड वो मार्केट में धीरे धीरे पता चलेगा जब AMD के CPUs बंदों को नहीं मिलेंगे अपने राइट प्राइसेस पे। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी की मोमेंट इन इंटेल्स प्रोडक्ट फिलॉसफी, जहाँ पे उन्होंने ये 9th जेन का जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएंस है ये बहुत पहले बता दिया है एंड उनको ये बोल रहे हैं लोगों को कि भाई 10th जनरेशन पे जाओ। नाउ इन सब चीज़ों में इवन इफ यू आर गेटिंग अगर तुम लोगों को सेकेंड हैंड एंड यूज 9th जनरेशन CPUs मिलते हैं जो कि अभी तुमको मिलेंगे काफ़ी सारे मार्केट में, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका जो प्रोडक्ट वैल्यू है दैट इज़ नॉट वेरी गुड एंड प्रोडक्ट वैल्यू नहीं होने के बाद यू विल बी एंडिंग इनटू जो इनके मदरबोर्ड्स हैं वो डेड एंड हो जाता है 9th जनरेशन के। तो कहीं ना कहीं पे जो H310 मदरबोर्ड्स एंड H110 मदरबोर्ड्स तो पहले ही खत्म हो गए थे, 310 मदरबोर्ड 365360 एंड Z390, ये सारे के सारे मदरबोर्ड्स भी इसी सीरीज के साथ डेड हो जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये पूरा जो जनरेशन ऑफ मदरबोर्ड्स एंड CPUs हैं दीज आर ऑल डेड। तो इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम इंटेल CPU
गो फॉर द 10th generation सीपीयूज। अगर तुम्हारे जो लोकल शॉप वाले होंगे वो 9th generation के सीपीयूज को निकालने की बहुत कोशिश करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड कोशिश करना कि ना लो, बिकॉज इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है एंड पावर में भी थोड़े से वीक ही होते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।